फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? सब कुछ ठीक ठाक है ना? ठीक ठाक है ना? बहुत दिनों बाद पूछ रहे ना ये चीज़। वैसे पूछते नहीं थे, काफ़ी दिन बाद आया हम। ठीक है, अच्छा। तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जयहू स्ट्रीट्स में, और मैं हूँ मयंक चतुर्वेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि अपनी जयहू फैमिली में 21,000 लोग हो चुके हैं, तो आप लोगों से यही आशा करता हूँ, सब्सक्राइब करोगे तो और लोग बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो बढ़ा लो तो थोड़ा अच्छा हो जाए। तो फिर हम लोग बात करते हैं यार कि ऑनलाइन वीडियोस, लाइव वीडियोस की। तो लाइव वीडियोस बहुत हो रहे थे, चस्का लग गया था लाइव वीडियो का एकदम, लाइव वीडियो। लेकिन तुम लोगों को ज़रूरत लग रही थी, मुझे भी लग रही थी कि एक ऑफलाइन वीडियो बनने चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन में प्रोबेबिलिटी का टॉपिक, और जो लाइव क्लासेस हैं उसमें इंटीग्रेशन का टॉपिक। तो लाइव क्लासेस का टाइमिंग सबको पता है ना, 9:30 पे होती है। आई होप एवरीवन इज गॉट इट। ठीक है कि 9:30 पे हमको लाइव मिलना है, सब जानते हो ना? ठीक है, अच्छा ठीक है। तो 9:30 पे हम लोग लाइव मिलते हैं और इस टाइम करेंगे प्रोबेबिलिटी। और एक बात और, जिसको मुझे से फेस टू फेस पढ़ना है, मतलब कोचिंग में पढ़ना है, तो उनके लिए नया बैच एक और स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जो कि आपका स्टार्ट होगा 22 अक्टूबर से। ठीक है, कर रही मैं, दो टाइमिंग है, मॉर्निंग में 7 से 8 की और 9 से 10 की। जिसको आना है आ सकता है। अभी अक्टूबर तक फीस 300 है, उसका फीस 400 हो जाएगी। तो जो भी ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकता है। उसमें मैं आपकी लुसेंट की बुक, आरएस अग्रवाल की बुक, करतार की बुक और आपकी पाथफाइंडर, ये चारों सॉल्व कराता हूँ। चारों के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिससे क्या होगा, अभी टाइम आपके पास है, ज्वाइन करना चाहो कर लोगे। और मैथ्स का कट ऑफ निकालने गारंटी लेता हूँ, अगर मैथ्स का कट ऑफ नहीं निकलता है तो आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी, उसका 1% हिस्सा भी मैं नहीं लूँगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं यार अपना प्रोबेबिलिटी का। बहुत पका लिया आप लोगों को, अब नहीं पकाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं यार प्रोबेबिलिटी की तरफ। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है यार, होता क्या है, सबसे पहले मैथ्स को करने का तरीका बताऊं। मैथ्स को ट्रिक वाइज पढ़ोगे, जिंदगी में कभी मैथ्स नहीं आएगी। शॉर्टकट अपनाओगे, शॉर्ट बन जाओगे। ठीक है, जिंदगी में कभी मैथ्स नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर समझोगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे। मैं भी बता रहा हूँ रियलिटी, मैं कोई क्वेश्चन आज तक रटा नहीं। ठीक है, ना कि बुक रटता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन से पूछो कि भाई साहब आप कैसे होगे, क्वेश्चन खुद बताएगा भैया हम ऐसे ऐसे होंगे। लेकिन पूछने का नज़रिया होना चाहिए। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप जाते हो और देखते हो यार ये दोस्त है, इसकी फ्रेंड बहुत अच्छी है, इससे बात हो रही है, क्योंकि उसे पूछने का नज़रिया बहुत अच्छा है। सेम ये मानो, क्वेश्चन आपकी फ्रेंड है, ठीक है, या फ्रेंड है, उससे पूछो भैया कैसे सॉल्व होगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। प्यार से पूछोगे तो होगा, ठीक है, आँखों घूरोगे तो नहीं होगा। चलो आओ, ठीक, बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी क्या है यार, प्रोबेबिलिटी अपनी डेली लाइफ पे डिपेंड है। हम जिएंगे आज या नहीं, ये भी एक क्या है, प्रोबेबिलिटी है। हम कोचिंग पहुंचेंगे या नहीं, दैट्स भी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक, आप पास होगे या नहीं, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। यानी कि हर चीज़ की क्या होती है, एक घटना यानी एक प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हर चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी एक ऐसा इवेंट नहीं है जो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड ना करे। हर घटना की प्रोबेबिलिटी होनी है तो होनी है। बात करते प्रोबेबिलिटी किन चीज़ों पर डिपेंड होती है, एक होता है नंबर ऑफ ई, ठीक है, एक होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है एनएस। एनएस क्या होता है यार, यहाँ पे एनएस होता है कि कम से कम, सॉरी एनएस होता है ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। या देखो प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास 8 से 10 पार्ट देंगे और इस एक एक क्वेश्चन किसी बुक का नहीं छोड़ेंगे, प्रोबेबिलिटी मस्त करा देंगे, क्योंकि बहुत अच्छी पकड़ है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे कराएंगे, 8 से 10 पार्ट आएंगे आपके पास, अभी टाइम भी है, आराम से पढ़ेंगे। नंबर ऑफ इवेंट क्या होता है, जिस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, सिर्फ उसके केस, उस चीज के मिनिमम केस लेंगे। और नंबर ऑफ एस क्या होता है, मैक्सिमम केस पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ ई जो हमसे पूछता है, जो हमसे पूछता है, ठीक है, इतना क्लियर हो। नंबर ऑफ ई क्या होता है, जो हमसे पूछता है। नंबर ऑफ एस क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। और नंबर ऑफ ई क्या होता है, जो हमसे पूछता है, इतना क्लियर हो। अब प्रोबेबिलिटी जो डिपेंड होती है, फॉर्मूला होता है पीई इज इक्वल टू एनी अपॉन
एन एस, पी इज इक्वल टू क्या होता है एन ई अपॉन एन एस, इतना क्लियर हुआ, जहां नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब बात करते हैं यार नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो दोनों की हम बात करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट क्या होता है। जिसको भी समझ में आए कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा आपके कमेंट्स, ठीक है, अगले लेक्चर में फिर समझा देंगे। तो बात करते हैं सैंपल स्पेस की, सैंपल स्पेस की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइस की, मतलब पासे की। तो यार पासे में कितनी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर एक पासा है तो मैक्सिमम केस छह होंगे, दो हैं तो कितने हो जाएंगे मैक्सिमम केस, भाई एक पासे में छह, दो में कितना होगा 36 होगा, दो में कितना होगा 36 केस बन सकते हैं, 12 नहीं करना, दो में कितने होंगे 36 केस हो जाएंगे ना, दो में कितने होंगे 36 केस होंगे। अब ऐसे अगर कॉइन की बात करें, मतलब सिक्के की बात करें, ठीक है, तो सिक्के में क्या होता है हेड और टेल होता है। अब जैसे ये एन टाइम्स होगा तो 2n हो जाएगा, हम कहते हैं दो सिक्के हैं तो 2, 3 सिक्के हैं 2, 4 सिक्के हैं 2, 4, इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम सप्ताह के दिन, तो भैया सप्ताह के दिन सभी को पता है कितने होते हैं 7 होते हैं, सप्ताह के दिन कितने होते हैं 7 होते हैं, ठीक। इसके बाद लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, मतलब 52 पूर्ण सप्ताह प्लस 2 दिन। सिंपल या साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, मतलब 52 पूर्ण सप्ताह प्लस 1 दिन, इतना क्लियर हुआ, यहां तक आया। अब बात करते हैं इधर ताश के पत्ते की, ताश के पत्ते तो कितने होते हैं 52 होते हैं, ताश के पत्ते कितने होते हैं 52 होते हैं। अलग अलग सूट के कितने होते हैं, अलग अलग सूट के पत्ते होते हैं 13, ठीक है। अलग अलग पत्ते कितने होते हैं 4, अलग अलग पत्ते होते हैं 4, ईट बैगम बादशाह ये जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये क्या होते हैं 4 होते हैं, समझना यार। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम डाइस की, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए 6, 2 हुए 36, 3 हुए 6/3 हो जाएगा, ठीक। ऐसे कॉइन कितने होते हैं 2 होते हैं, तो हो गया, ठीक है, 4 कॉइन हो गए तो 4 हो जाएंगे, सॉरी 2 कॉइन हो गए तो 2^2। सप्ताह के दिन 7, लीप ईयर 366 डेज मतलब 52 पूर्ण सप्ताह प्लस 2 दिन, साधारण वर्ष 365 मतलब 52 पूर्ण सप्ताह प्लस 1 दिन, ताश के पत्ते 52, अलग अलग सूट, सूट कितने होते हैं इसमें अलग अलग सूट 4 सूट होते हैं, ईट चिड़ी ठुकुम और हमारे पास पान, ठीक है, ये हमारे पास होते हैं अलग अलग डायमंड एस इस टाइप के जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग पत्ते कितने होते हैं 4, अलग अलग पत्ते कितने होते हैं 4, 1 का 2 का 3 का 4 5 6 7 8 9 10 तक होते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या होती है गुलाम होता है, बैगम होती है, बादशाह होता है, इक्का होता है, इतना क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ, ये हो गए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो कि हमें हमेशा माइंड में होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए क्या केसेस और चाहिए हमको। अब पहले एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा, अभी हम बहुत आगे डीपली जाएंगे केस कितने टाइप्स के इवेंट होते हैं, कितने टाइप्स की प्रोबेबिलिटी होती हैं, फिर एनसीआर वाले क्वेश्चन भी बहुत कुछ है, आराम आराम से देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा कि हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी पासे को उछालने पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताओ, 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब समझना हमारे पास क्या है, एक डाइस है, उसको हम रोल्ड कर रहे हैं, तो 3 से क्या आना चाहिए मैक्सिमम आना चाहिए, तो 3 से बड़ा क्या आएगा। अब समझना यहाँ पे एनी और एनएस में डिफरेंस समझो, एनी और एनएस हमेशा टोटल पॉसिबिलिटी देखोगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखोगे, तो एनएस कितना होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना होता है 6। एनई क्या होता है, NE जो होता है जो कह रहा है, क्या जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 3 से बड़ा, 3 से बड़े कितने चांस हैं 4, 5, 6 मतलब 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/6 मतलब 1/2, कितना आया यहां तक समझ में आया, कितना आया प्रोबेबिलिटी 1/2। अब एक बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम, कोई भी इवेंट होगा
अगर कोई भी इवेंट होगा तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी भैया हमेशा 1 होती है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। मतलब कि किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 से 1 के बीच में लाई करती है, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 उसकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है और जो 1 होती है उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। इतना समझ में आया? 0 क्या होती है? मिनिमम प्रोबेबिलिटी, और 1 मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमसे लोग कि भैया मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। क्लियर? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज पे। यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता PE है तो ना होने की प्रायिकता, इसको बोलते हैं PER इज इक्वल टू 1 माइनस PE। मतलब क्या है? एक इवेंट है, अकर हो रहा है, यानी एक इवेंट पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है PE, और हम कहते हैं अब वो भैया इवेंट हमको नहीं चाहिए तो क्या होगा? 1 से उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इतना समझ में आया? यानी क्या हो जाएगा? 1 माइनस PE। मतलब क्या है? किसी इवेंट के होने की और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है इनका सम क्या होता है? 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकर ऑन इन एन इवेंट एंड डज नॉट अकर्स इज इक्वल टू 1। यानी इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है? 1 होता है। यहां तक आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं जरा। ठीक, इतना क्लियर है? ठीक, अब समझो अगला। यदि अनुकूल संयोग अनुपात है, अनुकूल संयोग अनुपात है तो जो प्रोबेबिलिटी होती है A/A+B, जहां A और B क्या है? ऑड इन फेवर रेशियो है। A एंड B अनुकूल संयोग अनुपात, अनुकूल संयोग अनुपात। इतना क्लियर हुआ? अगर अनुकूल संयोग अनुपात है तो प्रोबेबिलिटी होती है A/A+B। A और B क्या होगा? अनुकूल संयोग अनुपात। अब देखते हैं कि ऑड इन फेवर बोलते हैं, ऑड अगेंस्ट फेवर है, यानी कि अगर प्रतिकूल संयोग अनुपात है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? B/A+B। ठीक, अगर अनुकूल संयोग अनुपात है तो प्रोबेबिलिटी होगी A/A+B, और प्रतिकूल संयोग अनुपात है तो प्रोबेबिलिटी होगी B/A+B। इतना क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो एक दो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे प्रोबेबिलिटी कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, कितने टाइप के केसेस बनते हैं। आगे देखो, अगर हमारे पास पहला एक और, ठीक है, एक सिंपल एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ठीक, क्वेश्चन है, कह रहा एक पासे को फेंकने पे हो चुका, एक सिक्के उछाले जाने पे हेड आने की प्रायिकता। अब बताओ यार, सिक्के को अगर हम टॉस करेंगे तो हेड एक बार होगा, टोटल चांसेस कितने? 2। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। ठीक, इसके बाद कह रहा है आगे देखो, अभी सिंपल वाले केसेस ले रहे हैं हम। ठीक है, कह रहा है किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। क्वेश्चन है किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है तो उस घटना के ना घटने की तो क्या करोगे? 1 माइनस 3/5, मतलब 2/5 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अगर किसी घटना के घटने की प्रायिकता दे रखी हो, ना होने की प्रायिकता निकाल लोगे, मतलब हमसे क्या पूछ रहा था? PE बार पूछ रहा था। इतना क्लियर? इसके बाद देखो वो क्या रहा है, एक बक्से में 6 लाल, समझना, एक बक्से में 6 लाल 4 हरी 5 काली गेंदे हैं, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करो। लाल की प्रायिकता ज्ञात करनी है, समझना। एक बॉक्स है, उसमें 6 रेड हैं, 4 ग्रीन हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो कह रहा है वो जो बॉल होगी वो लाल होगी, यानी कि रेड कलर की होगी, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो भैया ये बताओ टोटल कंडीशन कितनी? 6, 4, 10, 5, 15। टोटल बॉल्स उसमें कितनी है? 15, क्योंकि हमको अभी नहीं पता है कि हमें कौन सी निकाली, वो 15 हमने मिक्सअप कर दी, तो NS कितना हो गया? 15 हो गया। जो पूछ रहा है किसके लिए पूछ रहा है? रेड बॉल के लिए। रेड कितनी है? 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/15। इतना क्लियर हुआ? प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/15। यहां तक आया?
इतना क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक बॉक्स में 6 लाल 4 हरी 5 काली गेंदें हैं तो लाल की प्रायिकता पूछ रहा है, तो ये टोटल बॉल 15, रेड कितनी है 6, प्रोबेबिलिटी आ गई 6/15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक टिकट है उस पर 1, 2, 3, 4 ... 12 तक लिखा है, तो हमको एक टिकट उठानी है और वह है 3 का गुणज हो, इसकी प्रायिकता, एक टिकट लेनी है और वह क्या हो 3 का गुणज हो, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब ये बताओ एनी टोटल चांसेस कितने हैं 12, एनी टोटल चांसेस कितने हैं 12, हमको पिक कितनी करनी है 3 के मल्टीपल में, तो क्या क्या आ जाएगा, सॉरी एनी नहीं, एनएस कितना है 12 और एनी कितना आ जाएगा, पिक कितनी करनी है 3 के मल्टीपल में, तो क्या क्या हो जाएगी 3, 6, 9, 12 हो जाएगी। टोटल केसेस इसके कितने बने 4 बने, प्रोबेबिलिटी क्या होगी एनी अपॉन एनएस 4/12 = 1/3। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर है, यहां तक ये सिंपल केसेस क्लियर हुआ, अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है 3 का मल्टीपल, टोटल बॉल्स कितनी है, सॉरी टोटल टिकट्स कितनी है 12 है, ठीक, एनी कितना हो गया 3, 6, 9, 12 यानी कितना हो गया 4 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/12 = 1/3। यहां तक आ गया, आगे बढ़ते हैं, अब देखते थोड़ा सा और, दो टर्म होते हैं हमारे पास, एक होता है या, एक होता है और, एक होता है या, एक होता है और, जहां पे आए ए और बी के होने की प्रायिकता, या जहां आए ए या बी के होने की प्रायिकता, ठीक है। तो यार अगर या आए तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है P1 + P2, यानी क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, और आए तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P1 × P2। ये केस बहुत अच्छा है, ये याद रखना, ठीक है। अगर हमसे या पूछता है तो P1 + P2, और पूछता है तो P1 × P2, या पूछता तो P1 + P2, और पूछता P1 × P2, इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट, कितने टाइप्स के इवेंट होते हैं, कितने टाइप्स की प्रोबेबिलिटी बनती है, ये सब हम समझते हैं अभी, ठीक है। देखते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट में हमारे पास समझना है यार, सबसे पहला होता है अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये क्या होते हैं, जैसे हम लोगों की क्लास है कोई, उसमें 10 लोग बैठे हैं और हम कहते हैं इनमें से सिर्फ एक बंदा पास होगा, बाकी सब क्या है फेल है, मतलब एक बंदे के पास होने की प्रोबेबिलिटी, हमको ये चीज़ क्लियर हो गई वहाँ पे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा हो रहा है, यानी कि अगर हमारे पास 5-6 इवेंट हैं सच दैट P1, P2, P3, P4 इस टाइप के इवेंट हैं, और हम कहते हैं पिक सिर्फ एक इवेंट करना है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है P1 + P2 + P3 ... PN, मतलब हम क्या करेंगे सबको उठा के ऐड कर देंगे। अब हमारे पास सेकंड है मिक्स या मिश्र घटना, ठीक है, मिश्र घटना क्या होती है, अब हमारे पास इवेंट है P1, P2, P3, हम कहें हमारे पास क्लास में जितने बच्चे हैं सभी के सभी पास हो जाते हैं, तो मतलब क्या है ऑल इवेंट्स ऑकर होने की, यानी सभी लोग पास हो रहे हैं, ठीक, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी P1, P2, P3 ... PN, मतलब हम सबका क्या करा देंगे मल्टीपल करा देंगे, इतना क्लियर है। अगर सभी पास हो रहे हैं तो P1, P2, P3 P1, P2, P3, अगर एक पास हो रहा है तो P1 + P2 + P3 यानी सबको ऐड कर देंगे। अब समझना, एक ही घटना n टाइम्स हो, एक ही इवेंट n बार हो रहा है, यानी कि n टाइम्स हो रहा है, समझना उसके लिए क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PE^n, समझ में आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी PE^n। अगर हम कहें हमारे पास कोई सिक्का है उसको 6 बार उछाला जा रहा है, 6 बार वो हेड आता है, तो आंसर आएगा PE निकालने के बाद उसकी पावर 6, यानी एक ही घटना n टाइम्स हो रही है तो PE^n हो जाएगा। अगला है, यदि कोई घटना कम से कम
एक बार अवश्य हो। तो फॉर्मूला होता है वन माइनस पी वन, वन माइनस पी टू, वन माइनस पी थ्री, डैश डैश डैश। मतलब क्या होगा, वन माइनस पी वन, वन माइनस पी टू, वन माइनस पी थ्री, डैश डैश डैश, वन माइनस पी एन। इतना क्लियर हुआ। हमें ये इवेंट याद रखने हैं कि अगर हमारे पास सबसे पहला क्या है अपवर्जी, दूसरा क्या है मिस, तीसरा क्या है हमारे पास एक ही घटना एन टाइम्स हो रही है, और फोर्थ क्या है कम से कम एक बार अवश्य हो। अगर अपवर्जी है, अगर क्या है अपवर्जी है, तो हम लोग क्या करते हैं सीधे सबको उठा के जोड़ देते हैं। अपवर्जी में क्या कहेगा, कोई घटना एक बार होती है, कोई घटना एक बार होती है। जैसे छः सात लोग दौड़ रहे हैं किसी दौड़ में, और उनमें से कोई एक हमारे पास क्या होता है जीतता है, तो क्या होता है सबको उठा के छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास मिस्र इवेंट, यानी कि मिक्स प्रोबेबिलिटी। मिक्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है भैया, मिक्स प्रोबेबिलिटी होती है अगर हमारे पास कोई इवेंट एन टाइम्स हो रहा है, यानी वन टू थ्री फोर फाइव टाइम्स हो रहा है, ठीक है, और हमसे कहते हैं सभी जीत जाएँ, सभी क्या होता है जीत जाएँ, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी वन पी टू पी थ्री डैश 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 पी एन हो जाएगा। अब समझना, अगर हमारे पास कोई इवेंट एन टाइम्स हो रहा है, कोई इवेंट क्या हो रहा है एन टाइम्स हो रहा है, और प्रोबेबिलिटी भी उसकी एन टाइम्स चाहिए, तो क्या होता है उसकी पावर एन हो जाती है। इसके बाद फोर्थ केस क्या बताया कि अगर कोई इवेंट है, अगर कोई इवेंट है और कम से कम एक बार जरूर होता है, एक बार जरूर होता है, तो वन माइनस पी वन, वन माइनस पी टू, वन माइनस पी थ्री, डैश डैश वन माइनस पी एन होता है। अब समझना यार, एक केस और है, यदि एन वस्तुएं हैं उनमें आर बार लेना है, उन्हें आर बार लेना है, यानी पांच में चार लेनी है, पांच में तीन लेनी है, पांच में दो लेनी है, तो एन सी आर, ठीक। हम कहते हैं हमारे पास पांच वस्तुएं, पांच में दो लेनी है तो फाइव सी टू, चार है चार में तीन लेनी है फोर सी थ्री, तीन है तीन में तीन लेनी है थ्री सी थ्री। इतना क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुआ। एन में आर थिंग्स चूज करने के जो मेथड्स होते हैं वो होते हैं एन सी आर। आई होप यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना आ गया तो कल का जो लेक्चर होगा वो होगा इनके क्वेश्चंस का, कल का लेक्चर इनके क्वेश्चंस पे डिपेंड होगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट होगा, हायर लेवल तक लेके जाएंगे, प्रोबेबिलिटी हम पूरा कराएंगे, एक प्रोबेबिलिटी का जो है आपको पूरा फुल देंगे, जिससे आपको पता चल सके कि जो क्लासेस होती हैं यहाँ पे ऑफलाइन में वो कैसी होती हैं, ठीक है। तो आपको एक पूरा देंगे जिसके 8 से 10 पार्ट होंगे, आपको एक से एक अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस हम अपनी क्लासेस में कराते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग देख लीजिएगा, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यूट्यूब पे मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, जैसे ही टाइम मिलता है। तो ये नहीं कि आपने मैसेज किया जस्ट रिप्लाई चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। और यार एक चीज़ बता दें कि आप लोग बुक्स का वीडियो बोल रहे थे, तो बस पाँच आज ही आपको बुक्स का वीडियो बना के हम दे देंगे कि कौन सी बुक्स हमारे लिए बेटर है, कौन सी बुक्स बेटर नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।